द्वारा लिखित प्रेरणा ग्रंथ में चौथे माल की चर्चा हम यहाँ पूर्ण कर चुके थे और इसके सारांश के संदर्भ में अपनी यहाँ बात चल रही थी। पूरी चौथी ढाल का सार बतला रहे हैं। दो महत्वपूर्ण बातें इस चौथी ढाल में की गई, पहली सम्यक ज्ञान की चर्चा और दूसरी देश चारित्र की चर्चा। सम्यक ज्ञान और देश चारित्र, इन दोनों में आधारभूत बात कही गई है निज आत्मज्ञान। निज आत्मज्ञान वही सम्यक ज्ञान है और आत्मज्ञान पूर्वक होने वाली प्रवृत्ति ही वो चारित्र, सम्यक चारित्र। चारित्र तो प्रवृत्ति को ही कहेंगे, लेकिन कौन सी प्रवृत्ति को चारित्र कहेंगे? आत्मज्ञान पूर्वक होने वाली प्रवृत्ति। आत्मज्ञान को चारित्र नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मज्ञान तो ज्ञान गुण की पर्याय है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, आत्मज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। लेकिन आत्म प्रतीति और आत्मज्ञान पूर्वक जो प्रवृत्ति हुई, जो विषयों में प्रवृत्ति से निवृत्ति हुई, जो किंचित स्वरूपलीनता हुई, उसे देश चारित्र कहेंगे। और उस देश चारित्र के होने पर बाहर में पंच अणुव्रतों के पालन करने रूप विकल्प भी आता है, तीन गुण व्रत भी और चार शिक्षा व्रत भी, ये उसके जीवन में दिखाई देते हैं। बाहर में पांच अणुव्रतों का पालन करना, गुण व्रत और शिक्षा व्रत का पालन करना, तो देश चारित्र नहीं है। तो फिर देश चारित्र कब कहलाएगा? जब अंदर में सम्यक ज्ञान होगा तो बाहरी प्रवृत्ति को देश चारित्र कहेंगे। अरे अंदर में माल होवे तो बाहर में दिख करके उसका प्रतिपादन किया जाए, और अंदर में माल ही ना हुए तो बाहरी पैकिंग का कौन कीमत देता है? माने पैकिंग की कीमत कब है? जब अंदर माल हो। तो अंदर में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी माल होगा तो फिर इस चारित्र की पैकिंग की कीमत है, अदरवाइज चारित्र की पैकिंग की कीमत भी नहीं। कितना उत्कृष्ट चारित्र पाले कि जीवन धन्य हो जाए। तो भाई साहब करोड़ों जन्मों तक तपश्चरण करो, दौलत राम जी कहते हैं, तो भी सार नहीं निकलने वाला, हित नहीं होने वाला, भला नहीं होगा। कब? करोड़ों जन्मों तक। दो चार दिन की तो बात ही नहीं है, तीन दिन का उपवास कर लिया, केला कर लिया, दफलक्षण जी के उपवास कर लिए, अष्टानिका के उपवास किए, वो तो सारभूत है, उससे तो क्या होना है? नहीं कह रहे करोड़ों जन्मों तक तपश्चरण करे, लेकिन ध्यान रखना एक शर्त लगा दी, ज्ञान बिन। हम तपश्चरण का निषेध नहीं कर रहे, हम उपवास का निषेध नहीं कर रहे, हम व्रतादिक के पालन का निषेध नहीं कर रहे। व्रतादिक का पालन करें, उपवास आदि करें, किंतु ज्ञान पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक, वेद ज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान पूर्वक हो तो सार्थकता है, और आत्मज्ञान के बिना हो तो सब निरर्थक। ठीक है? ज्ञान बिन कर्म जरे जे, और ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्त ते तेज टरे ते। सम्यक ज्ञानी के पास में आती रहती कौन सी कला है जिसके माध्यम से वो इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों में किए गए पाप कर्मों को, अशुभ कर्मों को क्षण मात्र में निर्जरित कर देता है? कुछ तो कला है। ठीक वैसे ही दिखाई देता है कि जैसे रात्रि भर का अंधकार सूर्य की किरण मात्र से दूर हो जाता है। मैंने कैसे चमत्कारिक बात कर रहे हैं यहाँ, ये ज्ञान के चमत्कारों की चर्चा है। पिछले दिनों में अपन ने इसके संदर्भ में बहुत बातें की है, मैं विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए आप प्रश्न संख्या 94 पर 94 पेज पर ऊपर से चौथी लाइन। पूर्व काल में जो जीव मोक्ष गए हैं, पिछले जन्मों में जिनको मोक्ष हुआ है, पिछले जन्मों में नहीं, पिछले जन्मों में तो कैसे, एक बार मोक्ष हो गया पिछले जन्म कैसे कहेंगे अपन उसको, माने पिछले हजारों लाखों वर्षों में, पिछले अनंत काल में, जो अनंत काल बीत चुका है उस अनंत काल में
जो जीव मोक्ष गए हैं भविष्य में जाएंगे और वर्तमान में महाविजय क्षेत्र से जा रहे हैं, तीनों कालों की बात ले लिया, भूतकाल भविष्य और वर्तमान, वह सब सम्यक ज्ञान का प्रभाव है। ज्ञान की महिमा है, वो सब महिमा ज्ञान तणी मुनि नाथ कहे हैं। जे पूरब शिव गए जाही अरु आगे जय है। क्या कह रहे हैं आगे, क्या कह दिया, जिस प्रकार मूसलाधार वर्षा वन की भयंकर अग्नि को क्षण मात्र में बुझा देती है, उसी प्रकार यह सम्यक ज्ञान विषय वासना को क्षण मात्र में नष्ट कर देता है। ये ज्ञान की महिमा है। ज्ञान समान नयान और कोई है नहीं जो पंचेंद्रियों की विषयाग्नि को शमन करने में समर्थ हो सके। किसके समान की मूसलाधार बरसात के समान जंगल में लगी हुई आग को बुझाने में कौन समर्थ हो सकता है। कितने फायर ब्रिगेड बुलाए अपन कि वो दूर हो जाए, शमन हो जाए, कितने बाल्टी पानी लाए, क्या करें बतलाओ, कितने कुएं खाली कर दिए जाए हैं और कितने टैंक मंगवाए जाए और पानी डाला जाए उसमें कि वो जंगल की अग्नि शांत हो जाए, कि नहीं होती है वो अग्नि, ऐसे शांत नहीं होती है। क्या उपाय है, एक ही उपाय है, ज्ञान घन घान हो जाओ, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ज्ञान की खूब बरसात हो, मूसलाधार बरसात हो, अनवरत ज्ञान का अभ्यास चले, ज्ञान अभ्यास निरंतर, तो फिर ये सब मिट जाता है, ताकि मोह महातम नाही। ज्ञान अभ्यास करें मनमाही, कैसे मिटेगा वो, ज्ञान अभ्यास से मिट सकता है। इसलिए इन्होंने यहाँ कह दिया सम्यक ज्ञान ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो पंचेंद्रिय विषयों की जो अग्नि है, विषयों की अग्नि या कषायों की अग्नि, विषय और कषाय दोनों एक साथ प्रयोग किए जाते हैं शास्त्रों में, पांच इंद्रियों के विषयों की चाह वो कहलाती है अंदर में कषाय, वो भी कषाय है। कषाय और विषय ये दोनों के प्रति जो आकर्षण है या दोनों से चित्त में होने वाली जो आकुलता है, जो बेचैनी है, जो परेशानी है, जो भी संकट है, वो संकट कैसे दूर होगा, ज्ञान गंगान ले जाए। उनकी पूर्ति उपाय नहीं है, मानो पावक में घी डाला ऐसी दशा दिखती है। ये कह रहे हैं अग्नि को क्षण मात्र में बुझा देती है, जंगल की अग्नि को, कौन की मूसलाधार बरसात, जिस प्रकार ठीक उसी प्रकार सम्यक ज्ञान रूपी वर्षा, भेद विज्ञान की चर्चा, भेद विज्ञान का चिंतन, आत्मा परमात्मा का चिंतन, देह से जुदा चैतन्य तत्व का चिंतन, आत्म तत्व के बारे में विचार, शरीर से भिन्न में गया एक आत्मा हूँ, ऐसा विचार चिंतन निश्चित रूप से पंचेंद्रिय विषयों की तरफ होने वाले आकर्षण को दूर कर देता है। यही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं। करोड़ों उपाय कर लो ना, कोटि उपाय बनाए, ऐसा कहा दौलत राम जी ने, करोड़ों उपाय बना करके भी ये भव्य जीव, हम जो कह रहे हैं इस बात को स्वीकार करो, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। देखिए फिर कह रहे हैं पुण्य पाप के भाव वे जीव के चारित्र गुण की विकारी पर्याय हैं, पुण्य के भाव भी और पाप के भाव भी, दोनों ही प्रकार के भाव इस जीव के चारित्र गुण की विकारी पर्याय हैं, अशुद्ध पर्याय हैं, वे रहट के घरों की भांति उल्टी सीधी होती रहती है। वह एक चलती रहती है, वो खटपट उल्टी सीधी होती रहती है, वो पाप से पुण्य और पुण्य से पाप, ठीक है, उन पुण्य पाप के फलों में जो संयोग प्राप्त होते हैं, अनुकूल प्रतिकूल संयोग, क्षण में धूप क्षण में छाव, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में, चंचल छाया की माया की ऐसी दिखाई देती है। कभी क्षण मात्र में ऐसा लगता है कि इतना अच्छा लगने लगता है, कभी क्षण मात्र में ऐसा लगता है कि क्या हो गया, मैंने कभी वैराग्य भाव जागृत होता है, कभी उसके प्रति आकर्षण जागृत होता है, बड़ी पुण्य पाप कर्म के उदय जन्य दशा बड़ी विचित्र है। हम तो अपनी लाइफ में देखो, अपने जीवन में देखो, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ये बिल्कुल
अभी तो ये लड्डू बहुत अच्छे लग रहे हैं, अभी एक मिनट में ऐसा हो गया कि मैं तो अब नहीं खाऊंगा, अब तो खाना ही नहीं। मैं अभी 5-7 दिन बाहर जाकर के आया, तो आने के बाद में ऐसा लगा कि अब तो बस ये खाना ही नहीं, अब तो इतने इतना थक गया खाते खाते, मैंने अब तो कम से कम 2-4 महीने मेरे को ये नमकीन और ये जो है ना ये मछली और ये लड्डू ये दिखाना मत 4-6 महीने के लिए। कैसा लगता है, कभी कैसा लगता है कि ये बहुत अच्छा है, कभी कैसा लगता है कि ये तो अपनी चित्त की दशा कैसी दिखाई देती है। कह रहे हैं रहट के रड़ों की भांति, उलट पुलट उल्टी सीधी दिन रात की भांति, ये चक्र चलता रहता है, दिन के बाद में रात, रात के बाद में दिन, फिर दिन के बाद में रात, फिर रात के बाद में दिन, ये इस तरह से चलता ही रहता है। प्रकाश के बाद में अंधकार, अंधकार के बाद में प्रकाश, पुण्य के बाद में पाप का उदय, पाप के बाद में पुण्य का उदय। और कभी कभी ऐसा लगता है कि पुण्य और पाप दोनों कर्म के उदय साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ भी चलते ही, पुण्य और पाप कर्म के दोनों उदय साथ साथ भी तो चलते हैं क्या? हाँ, किसी विषय संबंधी पुण्य का उदय चल रहा है, किसी विषय संबंधी पाप कर्म का उदय चल रहा है। माने ये पुण्य का उदय भी और पाप का उदय भी, माने समझ लीजिए एक्सीडेंट हो गया पाप का उदय है, लेकिन उस एक्सीडेंट दुर्घटना के काल में जो दर्द है वो तो पाप का उदय है, लेकिन उस दर्द के काल में जो अनुकूलताएं, अनुकूल सहयोग जो मिल गए हैं, संभालने वाले, सहयोग करने वाले, पुण्य के उदय। हाथ पे टूटे ऐसा तो नहीं कह सकते ना, ऐसा नहीं। फिर तो इस तरह की यदि नेगेटिव वे में आप लेंगे ना, सबसे पहले तो बहुत सारी बातें हो सकती है। नहीं तो हाथ पांव टूटे नहीं, ऐसा नहीं लगाई जा सकती ये बात, वो पुण्य का उदय नहीं है। हाथ पांव टूटे नहीं तो फिर आप ऐसा कहते मेरे को वर्तमान में देवगति मिली नहीं तो पाप का उदय, ये तो कुछ तो उल्टी सीधी बात, ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। कोई चीज नहीं मिली उसे पाप का उदय नहीं कहते, कोई चीज मिलने की बात है, पुण्य के उदय से भी मिलेगा और पाप के उदय से भी मिलेगा। तो आपको जो उसमें अनुकूलताएं मिल गई, आपको जो उसमें संभालने वाले मिल गए, आपको जो समय पर टाइम पर ट्रीटमेंट हो गया, टाइम पर जो दवाएं मिल गई, या आपकी जो सेवा करने वाले मिल गए, सेवा करने वाले साथ में मौजूद है, ये पुण्य का उदय। और सेवा करने वालों के काल में जो जो उठ रहा है आपकी पाप का उदय, माने ये जो दर्द उठ रहा है ये दर्द पाप के उदय से है। और दर्द के काल में जो पूछ रहे हैं आपको दवाई का ध्यान रखना, दवाई दीजिए नहीं, ठीक है ना, ये आपके पुण्य का उदय। और उसमें भी ऐसा एक व्यक्ति कहे लेनी हो तो ले लो, रख लो, वो पाप का उदय। और दूसरा व्यक्ति ये कहे कि आपने लिया नहीं, आप ध्यान नहीं रखते हो, तो वो साथ में पुण्य पाप का उदय, दोनों साथ में चल रहा है, देखो आप कैसी दशा होती है। स्वतंत्र है ऐसी व्यवस्था, दोनों चीजें साथ साथ में चलती है। शत्रु और मित्र, मतलब समझ लीजिए एक व्यक्ति के साथ में शत्रुता चल रही है और दूसरे के साथ में मित्रता चल रही है, तो मित्र आपकी अनुकूलता चाहता है, शत्रु आपका बुरा चाहता है, तो बुरा चाहने वाला भी सामने दिखाई दे रहा है और भला चाहने वाला भी आपके बगल में खड़ा है, तो पुण्य पाप कर्म का उदय साथ साथ में है कि नहीं? बुरा चाहने वाला कोई व्यक्ति आपसे, एक व्यक्ति आपसे नाराज हो रहा है तो दूसरा व्यक्ति आपके प्रति विशेष राग रख रहा है, तो राग और द्वेष ये दोनों दशाएं जो आपके साथ में बन रही है, एक व्यक्ति से बात करके अच्छा लग रहा है, दूसरे व्यक्ति से बात करके बुरा लग रहा है, जैसे बुरा लग रहा है वो पाप का उदय, जैसे पुण्य का उदय, ये पुण्य और पाप कर्म के उदय। लेकिन ये कह रहे हैं दोनों ही पुद्गल के पर्याय है, न तो इसमें हर्ष होने की जरूरत है, न इसमें शोक मनाने की जरूरत है, ये सार कुछ बात कह रहे हैं। पाप कर्म के उदय में सारा जगत दुखी होता हुआ दिखाई देता है, और पुण्य कर्म के उदय में ऐसे कौन से महापुरुष हैं जो सुखी होते हुए नहीं दिखते हो? विरले ही होते हैं ऐसे, बहुत विशेष महापुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें पुण्य का उदय भी विचलित नहीं कर पाता है, अविचलित रहे पुण्य के उदय के काल में भी, अनुकूलताएं भी जिन्हें विचलित न कर सके, ऐसे महापुरुष बहुत विरले होते हैं। अनुकूलताओं के काल में भी सहज रहो, प्रतिकूलताओं के काल में भी सहज रहो, क्योंकि ये जनागम का मार्ग सहज रहने का मार्ग, सहज का गंधा है, हर परिस्थिति के अंदर सहज है हम, जैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन मनस्थिति पर जिसका कंट्रोल है वो ज्ञानी जीव है।
क्या बदलेगी अल्लाह, परिस्थितियां तो बदलेगी। आपका कंट्रोल परिस्थितियों पर तो हो नहीं सकता, परिस्थितियों पर होगा क्या हमारा कंट्रोल? वो हमारे हिसाब से चलेंगी क्या? तो उन पर तो हमारा कंट्रोल होता नहीं, तो हमारा कंट्रोल किस पर होगा बताइए? हमारा कंट्रोल तो हमारी मन स्थिति पर हो सकता है। इसलिए मन स्थिति को संभाले, पर स्थिति को छोड़ें। ठीक है, यहाँ कह दिया पुण्य और पाप दोनों ही का जो उदय है ये कैसा चलता रहता है, वो पुण्य और पाप दोनों ही भिखारी पर आए हैं। क्या गजब बात कह रहे हैं, पुण्य और पाप दोनों अशुद्ध पर्याय हैं, पुण्य और पाप दोनों भिखारी पर्याय हैं। अब आप एक भिखारी पर्याय को अच्छा माने और दूसरी भिखारी पर्याय को बुरा माने, ये तो आपकी अज्ञानता है। 94 पेज पर दूसरा पैराग्राफ, पीछे किताब 94 पेज पर दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप के भाव वे जीव के चारित्र गुण की विकारी पर्याय हैं, चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय हैं। पाप पर्याय भी और पुण्य पर्याय भी, और चारित्र गुण किसका है? वो चारित्र गुण तो मेरा है, और विकारी पर्याय वो अपनाने योग्य नहीं है। मतलब ये दुनिया में किसी भी व्यक्ति से पूछो विकार अपनाने योग्य है क्या, तो क्या कहेगा कि नहीं नहीं विकार तो अपनाने योग्य नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति यही बात कहेगा, विकार तो त्याग देने योग्य। तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय छोड़ देने योग्य है ना, त्यागने योग्य है ना। अरे कह रहे हैं चारित्र गुण की विकारी पर्याय जानते हैं कौन सी है? पुण्य पाप फल दोनों, पुण्य पाप दोनों चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और विचरास्ता ये चारित्र गुण की निर्मल कर जाएंगे। इसलिए पुण्य पाप से पार मार्ग है सुख शांति का, सुख और शांति का मार्ग कहीं बाहर में नहीं है। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। सुना होगा भजन, पहले कभी सुना? मैंने नहीं बोली पहले कभी, नहीं 5-7 साल पहले मैं कहा था वहां, मैंने उनसे सुनी थी, वो बहुत गाते थे, क्या नाम है, नन्हे भैया सागर वाले, बहुत सुनाते थे। अच्छा, बहुत अच्छा भजन है, तेरे सागर का तेरे भीतर ही किनारा है, बाहर के संसार में कहाँ ढूंढ रहा है तू, बाहर में कहीं सुख मिलता ही नहीं है, इसलिए कहीं नहीं है, एक क्षण मात्र में सब खत्म हो जाता है। आज बिल्कुल इतना मैं कहता हूँ ना कई बार कि आज तो बच गए, आगे नहीं बचेंगे। अब आप सोच लो आप क्या कर रहे हो, जब जब ऐसी घटना घटती है तो आपके दिमाग में वो चलना चाहिए, दिन रात की ख्याल में आनी चाहिए बात कि आप कर क्या रहे हो, एक सेकंड में सब खत्म। पर भव नजदीक जात नर भव निपल है, पर भव नजदीक, नजदीक क्या आ जाता है, पर भव ही आ जाता है क्या? नजदीक नजदीक तो छोड़ो आप, पर भव ही आ जाता है एक क्षण मात्र में। मैंने तो सोच भी नहीं सकते आप, एक क्षण में ऐसा हो जाता है, बदल जाता है बिल्कुल सब खत्म, चलो साहब दूसरे भाव में आ गए आप, सारा कनेक्शन लेना देना राज देश लाभ हानि हिताए सब 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 खत्म, सब बदल गया, सारी दुनिया एक साथ बदल गई। कब बदल रहा है अपना क्या पता, और दिन में कितने प्रसंग ऐसे घटते हैं, अरे साहब बच गए यार, बच गए कह रहे हो, आगे नहीं बचोगे ये समझ लेना, ये मौका मिल गया है ये समझ, तो दूसरी जिंदगी मिल गई है। रोज सोचो आप दिन भर वास्तव में एकदम पांव बच गए, सीढ़ियों से उतरते हुए एकदम बच गए, एकदम ऐसा लगता है हमारे रोज बच गए आज, अरे साहब आज तो बच ही गए, और फिर वो कितनी देर लगता है, वो घंटे दो घंटे खत्म, फिर क्या है? अब नहीं बचेगा, कितनी बार बच गया, कितने मौके मिल गए, बतलाओ मेरे को मिले? कितने नोटिस मिल गए आपको, नोटिस ही तो है और क्या है,
ये सब उदय प्रमाण है स्थिति, और ये कह रहे हैं आप उससे भिन्न न्याय तत्व को देखो, अपने त्रिकालीन रूप तत्व को देखो, उस आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करो, शांत चित्त से एक बार गहराई से विचार करके तो देखो, आप हाथ से हाथ धर के आंख बंद करके एक बार चिंतन करो कि क्या ही ये सभी, ये जो नाटक जो चल रहा है ये जगत में दिखाई देने वाला नाटक, सब चलते हैं ऐसे, उठा पटक का उतार चढ़ाव कितने प्रकार के चलते रहते हैं, सब होते रहेंगे, जीवन ही उतार चढ़ाव का नाम है, उदय जैसे परिस्थितियां कितने अप डाउन चलते रहते हैं। कल ही हम बात कर रहे थे कि एकाध दिन भी शांति से बीत जाए, कहते हैं अपन करते हैं चर्चा, बहुत मुश्किल है, लगे रहता है जंजाल, कुछ न कुछ कुछ न कुछ, ये सब मनुष्य गति के दुख प्रकट ख्याल में आते हैं, फिर भी क्यों नहीं संभलता है, मनुष्य गति के दुख हैं, आपके चित्त में जो बेचैनी है, आपके चित्त में जो आकुलता है, जो अशांति है, ये मनुष्य गति के दुख, त्रियंशियों को त्रियंश जन्य होती है, नारकियों को नारकीय जन्य होती है, देवों को देव जन्य होती है, हम मनुष्य गति के जीव, हमारे को हमारे दुख, बोलो त्रियंशियों को मकान जमीन जायदाद कमाने का विकल्प तो नहीं है। बात है बहुत, हम लोग घर पे बहुत से ऐसी चर्चा करते हैं, बैठते हैं, मैंने आप देखो ये मकान मेरा है और ये जमीन मेरी है और दो मकान वहां खरीद लिए, ये किसके नाम है, इसके नाम है, ये इसके नाम है, अरे मूर्ख तो रह रहा है, किसके नाम है तेरी जिंदगी की पूछती है, तो काई काई में दिमाग लगा रहा है, पागल है, मतलब वो मेरे नाम है, मेरे नाम कितने करोड़ हो गए, मेरे नाम कितना हो गया, अरे साहब 5 करोड़ की जमीन वहां है 2 करोड़ की वहां खरीदी है, इसका ये हो गया है, इसका ये, बुद्धि तेरी कहां जा रही है, एक माँ भी खरीद लिया है, अरे गाँव इसको इतने में बेच दो, इसको इतने में खरीद दो, कुछ नहीं है, कागजों में मोहित हो रहा है, अच्छा किसी का भी हो उससे क्या लेना देना है, तेरे को रह रहा है ना शांति, तसल्ली नहीं है, तसल्ली नहीं है, चैन नहीं है, दो भाई भाई झगड़ते रहे, एक मकान में रहते हो, अब लोग दो भाई रहते हैं एक ही मकान में, और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी यदि एक भाई के नाम कर दी जाए और दूसरे को रहने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, तो रह जिंदगी भर से कोई परेशानी नहीं आएगी, नहीं उसके अंदर लेकिन मेरे नाम है, अब रो रहा है तेरी जिंदगी की, तो तुम जानते थे तेरा टाइम निकालना है यहाँ पर, काई में पूछता है उसके बारे में, सारे घर घर में झगड़े ऐसे दिखाई देते हैं ना, वो तो है ही, वो तो मूर्खों की बात है, वो तो सब बहानेबाजी की बात है और कुछ नहीं है, मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, मैं तो मुझे कुछ नहीं, इसलिए भाग दौड़ में लगता है सब अपने लिए, बच्चों के लिए, किसके लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए करना पड़ता है, परिवार के लिए करना पड़ता है, हमारा क्या है, मेरे को भी जरूरत थोड़ी ना, मैं क्या करूंगा, मैं कुछ जाति भी धड़ी घूर ले जाऊंगा, पैसा इन्हीं के लिए करता हूँ, इन्हीं के लिए कमाता हूँ, इन्हीं के लिए भाग दौड़ करता हूँ, आचार्य देव कह रहे मत करो उनके लिए, खुद के भले की सोच, हाँ कह रहे समन पत्राचार्य क्या गजब पंक्तियां लिखी है इस तरह की, तो किस लिए धन संचय की बात सोचता है, पुत्र के लिए बहाने बनाता है, पुत्र का नाम लेता है और अपने राग का पोषण करना चाहता है, तुझे अपने राग का पोषण करना है, अपने विषय गजाय आदि का पोषण करना है, और अपना दोष दूसरों के माथे डालना चाहता है, मैं क्या करूंगा, बच्चों के लिए करना पड़ता है सब, अपनी जिम्मेदारी है सब, अपन ही करेंगे सब, उनके लिए मकान चाहिए, उनके लिए गाड़ी चाहिए, क्यों तेरे को नहीं चाहिए, अंदर अंदर में आप अपने परिणाम नहीं है क्या, लोग लालच को प्रेम का है, नाम दूसरों का लगाते हैं, न हर्ष होना और न विषाद होना, कोई 1 अरब रुपया मेरे नाम कर दे तो मुझे प्रसन्नता का भाव नहीं है, रंजे मात्र करोड़ों मेरे नाम कर दे तो क्या कर, अरे मेरे नाम कर दे तो मैं माथे पे नाम लिखूंगा भाई, मेरे नाम हो गया क्या लेना देना है उससे, मैं जितना है मैं अपने सुख शांति से रहता हूँ, सारे दुनिया को ऐसा ही सोचना चाहिए, ज्ञानी धर्मात्मा व्यक्ति ऐसे विचार करते हैं, 2 टाइम रोटी खाते हैं, मजे से शांति से रहते हैं, ज्यादा कोई आकुलता नहीं है हमारे को, कोई टेंशन का काम नहीं है, और आता है तो उसका कोई विकल्प नहीं है, और जाता है तो उसका कोई तीव्र विकल्प नहीं, कुछ कुछ नहीं है, सहज रहते हैं, जाता है वो अपनी योग्यता से जाता है और आता है वो अपनी योग्यता से आता है, जाने का भी विकल्प नहीं है,
जब जितना जहां जैसा लगना है, जब जितना जैसा निकलना है वैसा निकल जाता है, निकल पाता है तो विकल्प की पूर्ति कर देते हैं। विकल्प आया, किसी व्यक्ति ने मांगा कुछ, आपने वो विकल्प आया, देने का भाव आया, तो खत्म, तो सोचने का काम ही नहीं आ गया, तो सोचने का काम नहीं चलेगा, तो सोचने का काम नहीं। ये कह रहे हैं दोनों ही पुद्गल की पर्याय है, तो क्या सोचता है उसके बारे में। पुण्य पाप फल माही हरख दिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर नाई। ये उत्पत्ति और विनाश ये चलता रहेगा, और इस उत्पत्ति और विनाश के काल में तुम जो ज्ञाता दृष्टा ज्ञायक तत्व हो वो उससे भिन्न हो, ऐसा अनुभव करो। देखिए कैसी बात इन्होंने कह दी है, ये उल्टी सीधी होती रहती है। उन पुण्य पाप के फलों में जो संयोग प्राप्त होते हैं, पुण्य के फल में जो संयोग प्राप्त हुए हैं या पाप के फल में जो संयोग प्राप्त होते हैं, उनमें हर्ष शोक करना मूर्खता है। अब पढ़ रहा है मूर्खता है, करता भी वही है। अपन यहाँ पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पढ़ करके जाते हैं अपन कि इनमें हर्ष शोक करना मूर्खता है, और फिर जब यहाँ से बाहर निकलते हैं फिर अरे हाँ मजा आ गया, अरे साहब गर्मी बहुत तेज, आज तो परेशान हो गई इस गर्मी में, आज तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, थोड़ी सी बरसात, आज तो मजा आ गया। ये हर्ष शोक करना मूर्खता है, अभी तो पढ़ा था यहाँ की मूर्खता है, और बाहर निकल करके फिर वही मूर्खता चालू कर दी। इसका मतलब ये है कि यहाँ बैठे हुए भी तो समझदार बंदे का नाटक कर रहा था, मूर्ख तो यहाँ भी है। बोलते बाप के फल में, क्योंकि अंदर में बैठी हुई है ना ये चीज, ये तो निरंतर चोट पड़े, इसलिए का ज्ञान घन घान हो जाते, ज्ञान बरसात नहीं, इधर बरसात आ गई और जंगल की अग्नि बुझ जाएगी, वो तो निरंतर चले 24 घंटे मूसलाधार बरसात, तब जाकर के वो जंगल की अग्नि बुझती है। इसी प्रकार कह रहे हैं सम्यक ज्ञान और भेद विज्ञान की चर्चा ये निरंतर चले, अविरत धारा प्रवाह रूप से, ऐसा नहीं कि कौन घंटा आकर के सुन गए, 40-45 मिनट 1 घंटा मंदिर में बिता दिया और थोड़ा सा हाँ हाँ किंचित शांति का अनुभव होता है, फिर वही उसी आग में जाकर के झोंक देता है अपने आप से। वो जगत की पंचेंद्रीय विषयों की अग्नि से बच करके कुछ समय के लिए शीतल छाव में यहाँ आया, जनवाणी की छाव में, और यहाँ से निकल करके फिर वही झोंक देता है अपने आप से। तो फिर आप क्या करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे क्या, क्या चाहते हो आप कि नहीं नहीं यहाँ से निकल करके वहां जाओ, लेकिन वो जो है ना छतरी साथ में रखो जिससे धूप आपके माथे पर नहीं पड़े, है ये चिंतन साथ में चले, कहीं भी रहो किसी भी जगह पर, घर में रहे चाहे वन में रहे, जो अपने में समाये रहते हैं, हर काम जगत के किया करे, नहीं राग किसी से करते। कहां से क्या लाइन है, कहां से, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, हर काम जगत के किया करे, नहीं राग किसी से करते। ऐसे ज्ञानी जीवों की दशा होती है, सब काम काम धाम नहीं रुक जाएंगे, घर गृहस्थी में रहते हुए काम चलेंगे, खाना भी खाएगा, बिजनेस भी करेगा, सोएगा भी, नहाएगा धोएगा भी, काम होंगे, तो घर गृहस्थी में रहते हुए ये सब काम होंगे, लेकिन अनाशक्ति, घर में रहते नहीं, ऐसे रहते हैं मानो रह ही नहीं रहे, अलिप्त भाव से रहते हैं। अब होता है भिन्न रह करके कैसी होती होगी ज्ञानियों की दशा, ये ज्ञानी समझते हैं, ज्ञानी जानते हैं ज्ञानियों की स्थिति को, अज्ञानी क्या समझे ज्ञानियों की स्थिति क्या होती है। माने 96,000 रानियों के साथ में और राजपाट और महलों में रहते हुए भी वे कैसे उससे अलिप्त और निलिप्त रहते हैं, ये बात हम नहीं समझ सकते, ये बात हमारे समझ में नहीं आ सकती। ये तो बड़ी अद्भुत दशा है, अंदर की दशा है भाई साहब, अंदर और बाहर की दशा कैसी होती है, कैसा जीवन होता है ज्ञानियों का, कैसा कह दिया इन्होंने, उनमें हर्ष शोक करना मूर्खता है, हर्ष करना भी मूर्खता है और शोक करना भी मूर्खता है।
प्रयोजन भूत बात तो यह है कि पुण्य पाप व्यवहार और निमित्त की रुचि छोड़कर स्वसम्मुख होकर सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह सारभूत बात है। प्रयोजन भूत बात तो यह है, किससे अपना प्रयोजन सधेगा। देखिए जिनवाणी का सुनना, जिनवाणी की चर्चा कानों में पढ़ना, ये भी पुण्य के उदय का काम। जिनवाणी का सानिध्य और समागम, ये भी पुण्य के उदय से होता है। हर किसी को नहीं मिलता है। आप लाख प्रयास कर लो, लेकिन जिसका उदय ही नहीं है इस जाति का, तो उसको ये भी तो समागम ही है ना, इसका संयोग ही है ना। हम कह रहे हैं धन का संयोग मिला, मकान का संयोग मिला, मंदिर का संयोग मिला, मकान जायदाद आदि का संयोग है, वो पुण्य पाप मिश्रित दशा है उसमें, जैसा भी हो। और जिन मंदिर का संयोग मिला, ये पुण्य का उदय। परिवार जन का संयोग मिला, जैसे साधर्मियों का संयोग मिला, ठीक है। जैसे बाहर में ज्ञान के अन्य साधन मिले, वे भी संयोग है। उसी तरह से जिनवाणी मिली, ये भी संयोग है। तो जिस तरह से घर बार महल मकान परिवार आदि का मिलना, ये कर्म के उदय से है, ठीक है। उसी तरह से ये जिनवाणी, शास्त्र, समागम, साधर्मी, जिन मंदिर, इन सब का मिलना भी कर्म के उदय से। जिस तरह से वो सब पुद्गल है, उसी तरह से ये भी सब पुद्गल है। लेकिन थोड़ा सा फर्क यहाँ ये है कि उनके संयोगों में रहता है तो पाप बांधता है, और इनके संयोगों में रहता है तो पुण्य बांधता है। लेकिन इनके संयोगों में रहकर के भी पुण्य बांधने में नहीं अटक गया तो तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इनके संयोगों में रहकर यहाँ से भी एक कदम आगे बढ़कर अपने ज्ञायक आत्मा को जान ले, तो सारभूत बात है। जिनवाणी की चर्चा, जिनवाणी में ये उपदेश कहीं नहीं है, ऐसी चर्चाएं नहीं, अटकाने की नहीं है जिनवाणी। जिनवाणी का पढ़ना पढ़ाना व्यवहार से धर्म कहा जाता है, लेकिन जिनवाणी के पढ़ने पढ़ाने का उद्देश्य ये जिनवाणी में नहीं है। दौलत राम जी छेड़ाला पढ़ने का उपदेश नहीं देते, इसलिए नहीं है। छेड़ाला किस लिए पढ़ना, छेड़ाला पढ़ने के लिए नहीं, सुन चेत, दौल समझ सुन चेत, सयाने काल प्रथा मत होवे, और यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं मिले। चेते नहीं तो सब बेकार। दौल समझ सुन चेत सयाने काल प्रथा मत होवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। फिर मिलन कठिन है, अजय वो अभी ये कहता है हाँ हाँ समझ लिया, फिर मिलना कठिन है ना, अभी तो मिल गया है ना। अगर अभी मिल गया है तो कर क्या रहा है, दोबारा मिलना कठिन है, लेकिन अभी मिल गया है तो इसकी सार्थकता किस चीज में है। पर द्रव्यों से भिन्न आप में रुचि सम्यक, पर द्रव्यों से भिन्न आप में रुचि, पर द्रव्यों से भिन्न जिनवाणी में रुचि नहीं। देखो पर द्रव्यों से भिन्न जिनवाणी की रुचि तक आकर के इसका काम स्टेप तो बड़ा है, काम तो हुआ है, भला तो हुआ है इसका, फिर यहाँ आकर के अटक गया। पर द्रव्यों से भिन्न जिनवाणी की रुचि, देव शास्त्र गुरु की रुचि, सत समागम की रुचि, ठीक है ना, ये सारी जो रुचि दिखाई देती है ये कोई बुरा नहीं है, ये काम भला तो है उसकी अपेक्षा से। अरे दूरदर्शन की अपेक्षा से देवदर्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत क्या कहें, वो दूरदर्शन देवदर्शन की कहीं बराबरी नहीं कर सकता, कहीं तुलना नहीं हो सकती। लेकिन देवदर्शन से निज दर्शन वो सर्वश्रेष्ठ काम है। देवदर्शन देवदर्शन के लिए नहीं है, देवदर्शन निज दर्शन के लिए है। इसलिए कर रहे हैं बदलाव, और हम यहाँ तक आकर के संतुष्ट हैं। इस जगह तक तो हम आ गए हैं कि देव दर्शन रोजाना हो जाते हैं, शास्त्र स्वाध्याय रोजाना हो जाता है, पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना रोजाना हो जाता है, समझते भी हैं, दूसरे लोगों को समझा भी देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो समझ आने वाली जो बात, समझाते हैं समाते नहीं, समझा ही तो रहे हैं और क्या है। हम आपको समझा देंगे, आप किसी और को समझा देंगे, कोई हमें समझा देगा, तो चलता रहता है। समझने समझाने का धंधा, न समझने का काम न समझाने का काम,
इससे भिन्न छोड़ प्रभाव ना आ जाइए, अंतरंग की प्रभाव ना देख, चेहरे का प्रभाव ना होती है, ये काम होता है वो होता है, लोग समझते हैं कितने लोग लाभ ले रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्या अच्छा काम हो रहा है, तेरा भला तो कुछ नहीं हुआ इसमें। वही जो कहावत है प्रसिद्ध, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे के उपदेश देने के अंदर सब कुशल हैं, लेकिन जब बात आती है अपने में समझ जाने की तो सब बराबर है, कुछ नहीं। आगे जो उपदेश नहीं दे रहे हैं कुछ कम पुण्य बांध लेंगे, कोई उपदेश दे रहे हैं धर्म पढ़ने पढ़ाने पढ़ा रहे हैं थोड़ा ज्यादा पुण्य बांध लेंगे, और फिर वही है तो संसारी ना, छूट करके फिर संसार से पार तो नहीं हो सके ना, वो मार्ग तो शुरू नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग तो जीवन में शुरू नहीं हुआ, क्या हो गया बदलाव, थोड़ा बहुत पढ़ा लिया हमने, थोड़ा बहुत उपदेश दे दिया, थोड़ा बहुत सिखा लिया, लोग जय जयकार करने लग गए, छोटे छोटे से बच्चे लोग आकर के आपके चरण छूने लग गए, लोगों के माध्यम से थोड़ी प्रशंसा हो गई, ये बहुत अच्छा समझाते हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनको बहुत ज्ञान है, थोड़ा सा बाहरी आचरण अच्छा हो गया, लोगों के चित्त में महिमा, अरे लोगों के चित्त में महिमा आ गई, लेकिन तुझे अपने आप की महिमा नहीं आई, फिर क्या हुआ, सबकी महिमा आई है ना, ऐसा कुछ समाई तुझे अपनी ही महिमा लाई, तुझे अपनी ही महिमा लाई, मोह की महिमा देखो, कौन से मोह की महिमा है, ये दक्षिण मोह की महिमा है, मिथ्यात्व की महिमा है, क्या कहें, मोह की महिमा देखो, क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा लाई, तुझे अपनी ही महिमा लाई, ये अपनी महिमा की बात कर रहे हैं, देखो देह की महिमा आती है कई बार, मान दशाए का उदय आता है तो ऐसी महिमा आती है, अरे राम मैं भी क्या काम कर रहा हूँ, देखो आप मेरे जैसा कोई, आगे मैं इतना काम कर रहा हूँ ये कम है क्या, आपको कभी लगता है आपका बेटा क्या काम कर रहा है, आपको लगता है आज दुनिया में नाम है, आपको लगता है आज पूरे देश दुनिया में घूमता है, सब जगह जाता है, सब जगह कि किसकी महिमा किसकी बात कर रहा है, अपनी ही महिमा, देह की महिमा आ रही है, पुण्य की महिमा आ रही है, यश प्रतिष्ठा की महिमा आ रही है, मान सम्मान की महिमा आ रही है, बाहरी लागल पेट की महिमा आ रही है, उदय की महिमा आ रही है, कुल मिलाकर की बात यह है, ये महिमा किस चीज की है बतलाओ मेरे को, अरे राव कितने लोग पूछते हैं मेरे, कितने लोग पूछते हैं किसकी महिमा आ रही है, ये पूछ की महिमा आ रही है, महिमा किस चीज की है बोलो, आत्मा की महिमा आई है नहीं, पहले ये बतला कि ये जिसकी प्रशंसा हो रही है, जिस वाणी की प्रशंसा हो रही है, जिस देह की प्रशंसा हो रही है, जिस उपदेश जिस सूक्ष्म ज्ञान की प्रशंसा हो रही है वो तेरा है क्या, लोग प्रशंसा कर रहे साहब क्या बोलते हैं, क्या आवाज है उनकी है, क्या गजब उपदेश देते हैं, अरे साहब गजब है साहब उनका तो, क्या नाम कौन सा नाम, ये नाम तेरा है क्या, बड़े बड़े अक्षरों में तुम्हारा नाम छप जाए, पोस्टर लग जाए, बैनर लग जाए, अब टीवी में फोटो आ जाए, अखबारों में न्यूज़पेपर में छपते रहे, किसकी है बताओ, मेरी फोटो तो खींचती नहीं है वो हूं मैं तो, ये बातें जो ये यहाँ कही जा रही है ये बातें बहुत गहरी बातें हैं, ये अंदर से उतारने के लिए है, ये ऊपरी ऊपरी तो बहुत मिल जाएगी ऐसी चर्चाएं, आप ऊपर ऊपर तैरते रहो ठीक है, धर्म के नाम पर धर्म का भ्रम हो जाता है, ये सारी बातें सब लोगों के लिए है, मैं अपने आप को शामिल करके बात करता हूँ जो भी बात कहता हूँ, क्योंकि मुंह से बोलता हूँ तो दो कान मेरे अपने आप के भी खुले रखता हूँ, ठीक है ना, कितना स्पष्ट, इससे ज्यादा और स्पष्ट शब्दों में क्या कहेंगे, मूर्खता है और क्या कहें, मतलब साफ साफ शब्दों में कहें तो ऐसा कह रहे हैं संजीव मूर्ख है, तो क्या कर रहा है, अब बोलो अब इससे ज्यादा और क्या कहें, सब अपने अपने नाम साथ में लगा करके जोड़ करके देखे मूर्ख है, हर शोक मानता है इस चीज में,
عرش پہ شاد کرتا ہے. ان نے پاک فرمائی حرق بالکو مت بھائی, یہ کہہ رہے ہیں یہ کرتا ہے, ان میں ہر چوک کرنا مورکھتا ہے. اور اس لیے پریوجن کچھ بات کیا ہے, اب کریں کیا یہ بتا دو آپ, یہ نہیں کریں تو کیا کریں, اب آپ ہی کہہ دو. تو یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر ان سب کی روچی توڑ کر سو سنگوں کو ہم نے گیان پراپت کرنا چاہیے, یتھارتھ گیان پراپت کرنا چاہیے. پوری ڈال میں پوری چوتھی ڈال کے اندر اندیشور سے پار بتلایا ہے, پوری چیڑالا کے اندر یہ چرچا کی ہے. دولت رام جی بھید وگیانوں کے مادھیم سے تو بھید وگیان کی چرچا نکلتی ہے, گیانی جی بھی ایسی چرچائیں کرتے ہیں. باقی تو دیکھیں اٹکنے کے استھان بہت ہیں, بہت استھان ایسے ہیں جہاں جو اٹک سکتا ہے, کوئی کہاں اٹکا ہے اور کوئی کہاں اٹکا ہے. میں نے ایک بار دیولالی کے اندر ایسا کوئی وشے لیا تھا اور کئی دن اس کے سندرب میں چرچا کی, اٹکنے کے استھان کتنے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. دنیا میں 99% جیو جو ہیں, 99.9% جیو ایسے ہیں جو لوگ لوکک وشیوں میں الجھے ہوئے ہیں, باہری پنچندری وشے لوگوں میں جن کو سکھ لگتا ہے وہ وہیں اٹکے ہیں. ان کے اپیوگ ان کے چت کا اٹکاؤ یہی ہے کہ دو پیسے زیادہ کیسے کمائے جائیں, وہیں اٹکے ہیں. دھن ادھک کیسے سنگرہ کیا جائے, ان کی بدھی وہیں اٹکی ہوئی ہے. اب جو کچھ اور لوگ ہیں جو سلجھ گئے ہوں, ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں, ان کے اٹکنے کے احسان الگ الگ دوسرے مان سمان میں اٹکے ہیں, یش پرتشٹھا میں اٹکے ہیں, پڑھانے میں اٹکے ہیں, سکھانے میں اٹکے ہیں, کوئی لکھنے میں اٹکے ہیں, کوئی گرنتھ چھپانے میں, پستک چھپانے میں, کتابیں چھپوانے میں, ان میں اٹکا ہے. کوئی ٹرانسلیشن کے کام میں اٹکا ہے, کوئی کس کام میں اٹکا ہے, کوئی شیور لگانے کے کام میں اٹکا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی اپدیش دینے کے کام میں, رکشائیں چلانے کے کام میں, کوئی پوجن ودھان آدی میں, کوئی انوشٹھان آدی میں, کوئی پرتشٹھائیں کرا رہے ہیں, کوئی ودھان کرا رہے ہیں, سب شامل ہیں. اپن لوگ سب اسی میں ہیں, اپن کہیں نہ کہیں اٹکے ہوئے ہیں اور یہ سب کر کے سنتوشٹ ہو رہے ہیں. یہ سب کرنا برا نہیں ہے, یہ سب کرنا بہت اچھا ہے. سوادھیائے کرنا, پڑھنا, ککشا لینا, پوجن ودھان آدی کرانا, سیکھنا سکھانا, یہ سب بہت اچھا ہے, لیکن اٹکنا کم خطرناک نہیں ہے, یہ سمجھ لینا آپ. اٹکنا بہت خطرناک ہے. یہ سب کرتے ہوئے جو ہردے کی سنتوشتی ہے, یہ سب کرتے ہوئے اندر میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہے, آگے بڑھنا ہے تجھے. ان سب کو کرتے ہوئے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پربھاؤ نہ ہو رہی ہے, یہ دھوکے میں مت رہنا. امرت چندراچاری کی یہ پنکتیاں پڑھنا, پرشار سدھی اپائے کی, جس میں یہ پربھاؤ نہ ان کی چرچا کرتے ہوئے کہتے ہیں آتما پربھاؤ نہیں ہو رسمترے تیری کا, یہ اپنی پربھاؤ نہ ہے. سمے درشن, سمے گیان, سمے چارتر کے مادھیم سے نج آتم تتو کی پربھاؤنا اپنی پربھاؤنا ہے, اور جس کی ایسی انترنگ پربھاؤنا ہوتی ہے اس کے مادھیم سے باہری سچی پربھاؤنا ہوتی ہے. جس کے انترنگ پربھاؤنا نہیں ہوئے, باہری پربھاؤنا کے چکر میں اٹکا ہے, اٹکتے رہو آپ. یہ خودگر پریائے, خودگر پریائے میں اٹکا ہوا ہے, چیتن کی خبر نہیں, اٹک رہا ہے خودگر کی پریائے میں, پھنسا ہے, الجا ہے اسی چیز میں. اس مورکھتا کو چھوڑو, سمے گیان پراپت کرو, نج کی روچی لاؤ, نج میں سما جاؤ. نج میں سمائے رہتے ہیں یہ گیانی ہوتے ہیں. سب دکھے گی انکولتا ہے, دھوپ چھاؤں کی طرح ساری دھوپ یہاں ہونے, کبھی ٹھنڈی چھاؤں دکھائی دے گی, کبھی گرم ہوا چلے گی, کبھی لو چلے گی, کبھی شیتل ٹھنڈی ہوا دکھائی دے گی. دونوں ہی استھتیوں میں سہج رہو, ادے سے اپربھاوت رہنے کا پریاس کریں. یہ ابھیاس ہے, یہ پریکٹس کے لیے ہے. یہ سب باتیں آتمانوبھو ہوگا, وہ سان چوتھا ہوگا, پانچواں ہوگا, بھاولنگی مری دشا ہوگی, یہ سب دشائیں آئے گی آگے جیون کال میں. نشچت روپ سے ہم لوگوں کے جیون کال میں وہ سب دشائیں آنے والی ہیں, لیکن ابھی اس کے ابھیاس کے لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب بھی ایسی پرسنتا اور جب بھی ایسی چیتنتا کا بھاؤ ہمارے من میں آئے تو اسی کھڑ ہم ایسا وچار کریں, یہ بدگل بن جائے اور اس سے بھن اپنے آپ کا انوبھو کرنے کا پریاس کریں. ادے کس پر آ رہا ہے, پھل کس کو مل رہا ہے, اور میں اس پھل کے کال میں بھی اسے جاننے والا ہوں, میں گیاتا درشتا ہوں. یہ پرستھتی ایسی بدل جاتی, میرے انکول ہو جاتی تو میں اس کا بھی گیاتا ہی رہتا. اور یہ انکول پرستھتی جو دکھائی دے رہی ہے, کداچت یہ ایسی پرتیکول ہو جاتی تب بھی میں اس کا جاتا ہی رہتا ہوں.
तो इस तरह से जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष है वे अपने ज्ञाता दृष्टापन के बारे में विचार करते हैं, ऐसा उनका अद्भुत जीवन होता है ज्ञानी उनका। इस तरह से यहाँ जो चौथी ढाल है, इस चौथी ढाल में सारा इस बतलाते हुए इस तरह की मार्मिक बातें बतला दी है। ये सारी बातें चौथी ढाल के अंदर की गई थी, लेकिन कुछ निष्कर्ष स्वरूप जो मार्मिक बातें हैं जो इन्होंने यहाँ कह दी है, वास्तव में दोबारा अवसर मिल गया है अपने को उस ज्ञान की महिमा चित्त में लाने का। तो इस तरह से सम्यक ज्ञान की महिमा, आत्मज्ञान की महिमा, सम्यक ज्ञान का अर्थ भी शास्त्र ज्ञान नहीं है, सह निज आत्म ज्ञान ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया दौलत राम जी ने, निज आत्म ज्ञान बिना सुख में इसमें पाए। इस तरह आत्मज्ञान की महिमा को जानकर अपने में ही समाए, अपने को ही जाने पहचाने, उसी में लीन हो जाए, इसी भावना से मैं बात करती हूँ। Thank you.